वैल्यूइंग द एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट का एक खास मकाम है नेचर में एंड व्हाट इज एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट क्या है इट इज एक्चुअली अ नेचुरल वर्ल्ड वी ऑलवेज टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बींगस कीप इन माइंड दैट द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट इंक्लूड ह्यूमन बींग्स इट इंक्लूड्स वर्टीब्रट इन वर्टीब्रनिमल्स प्लाट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर सोयल वाटर एवरी थिंग अराउंड अस एक्सेप्टूमन बींगसवी सदी में ह्यूमन बीइंग्स नेचर रिसोर्स का बेजा इस्तेमाल कर रही है जो कि नेचर रिसोर्स के, के खत्म होने का डर पैदा करती है और दूसरी तरफ इंसानों के अपने लिए नुकसानदेह है नाव इकोनमिस्ट ऑफ एनी कंट्री आर ट्राइंग टू मेक यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस वो नेचुरल रिसोर्सेस से ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो नेचुरल रिसोर्स को प्रिजर्व करना भी जानते हैं सो इकोनमिस्ट ऑफ एनी कंट्री हैव अटेम्प्टेड टू वैल्यू द नेचुरल रिसोर्स नाउ कीपिंग इन व्यू द डिफरेंट इन्वायमेंटल चैलेंजेस इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी नाउ वी हैव टू कंसिडर द वैल्यू ऑफ एनवायरमेंट इन डिसीजन मेकिंग बिकॉज अबाउट अबाउटिक्स इन्वायरमेंट कंसर्न इज अ मेजर इशू जैसे कि हम कैसे पानी और एयर की क्वालिटी को मेनटेन कर सकते हैं वेन एवर वी टॉक अबाउट द ग्रीन हाउस गैस सच एस कार्बन डाइऑक्साइड हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड हम अपनी बायोडावर्सिटी यानि के एनिमल्स प्लांट्स वोटिब्रेड्स इनवोटिब्रेड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स

लेकिन जैसे ही कि ये वेल बींग ऑफ फ्यूचर जनरेशन के लिए डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये पुअर वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंट इंसान के किसी काम की नहीं नाउ वी कैन वैल्यू द एन्वायरमेंट इन टू वेज द फर्स्ट वन इज इंट्रेंसिक वैल्यू एंड द सेकेंड वन इज इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है इट इज एक्चुअली द एनवायरमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट हैव देयर ओन राइट्स जैसे कि आपको परिंदा मारने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है बिकॉज बर्ड्स हैव देयर ओन राइट्स सिमिलरली एनिमल्स हैव देयर ओन राइट्स ग्रीन एंड प्लेजेंट प्लेसेस शुड हैव देयर ओन वैल्यूज दे शुड बी प्रिजर्व दे शुड बी कीप इन अ क्लीन एनवायरमेंट विदाउट पोल्यूशन सो दिस मेनली इन्वॉल्व द रिलीजन जैसे कि इस्लाम में बताया गया है कि सफाई निसफ ईमान है हमें सफाई को अपने माहौल को आलूदा करने से बचाती है द सेकेंड वन इज इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू दैट मीन्स द सप्लाई ऑफ ह्यूम टूवर्ड्स द मटीरियलिस्टिक नीड सच एज नैचुर रिसोर्स कैसे ह्यूमन बींग इंसान सॉइल वाटर एयर और मुख्तलिदनियात से फ़ायदा उठा सकते हैं So, actual and potential use in supplying resources for human living are very important. Misuse of anything can be threatening for human beings as well and it can destroy the nature as well. So, it is all up to you whether you will value the environment as an intrinsic envi value or you will give it as an instrumental value. So, this topic is again debatable.